आज हम जानेंगे एनएसटी एसई ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम के बारे में। एनएसटी एसई ओलंपियाड क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, रिकॉग्नाइज्ड टॉपर्स कौन कौन से हैं, इसके सिलेबस क्या है, सैंपल पेपर किस प्रकार के होते हैं, रेफरेंस बुक क्या होती है, इस एग्जाम में आप रजिस्टर कैसे होते हैं, अवार्ड क्या मिलती है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एनएसटीएसई, इसकी साइट पे हम पहुँच गए। यूनिफाइड काउंसिल ओलंपियाड के द्वारा नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च और एग्जामिनेशन करवाई जाती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम आप यहाँ से दे सकते हैं। वाई एनएसटीएसई हम देख लेते हैं। एनएसटी इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट विच हेल्प अ स्टूडेंट इम्प्रूव देयर ओवरऑल लर्निंग एबिलिटी एंड एजुकेशनल परफॉर्मेंस। यहाँ पर ये एग्जाम देने का फायदा ये है कि स्टूडेंट का ओवरऑल परफॉर्मेंस को ध्यान रखा जाता है। इसमें आपकी खूबी के साथ साथ आपकी कमियों को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर वो आपको फीडबैक के रूप में बताया जाता है कि आप में क्या क्या कमी है, ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम में उसको इम्प्रूव कर सके। एलिजिबिलिटी क्या है देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्लास फर्स्ट से 10th तक के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल क्या है। तो एग्जाम शेड्यूल में मॉक एग्जाम होती है एंड फाइनल एग्जाम होती है, जो संडे के दिन है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 26 जनवरी को यहाँ पर एक फाइनल एग्जाम से पहले एक मॉक एग्जाम स्टूडेंट से ली जाती है, ताकि बच्चे अच्छे से एग्जाम में किस प्रकार देना है उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। और फाइनल एग्जाम 2 फरवरी 2025 को होगी। शेड्यूल एंड प्रोसीजर विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम। एग्जाम के 15 दिन के पहले आपको ये मॉक टेस्ट लिया जाता है और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर 45 डेज ऑन द एग्जाम। एग्जाम के 45 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। और एग्जामिनेशन फीस 354 इंक्लूडिंग जीएसटी भी है इसमें। इस एग्जामिनेशन फीस में आपके लिए एग्जामिनेशन फीस के साथ स्टूडेंट को परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाती है, साथ ही 2 प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर और पीक्यूपी, जिसमें डाउनलोडेड ई बुक भी आप कर सकते हैं, प्लस सक्सेस सीरीज डाउनलेबल ई बुक, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस चार्जेस, ये चीज आपको इसमें अवेलेबल हो जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या है तो चलिए सब क्लासेस के हिसाब से देख लेते हैं। क्लास फर्स्ट सेकेंड, क्लास फर्स्ट में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहता है, मार्क्स 40 मार्क्स का रहता है, ड्यूरेशन 1 मार्क्स रहते हैं। क्लास टू में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, मार्क्स 50, एंड क्लास थ्री से 10th तक के लिए 60 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 60 मार्क्स के रहते हैं, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं। डिविजन मार्क्स इन द क्वेश्चन पेपर, क्लास फर्स्ट में आपका नेशनल साइंस ओलंपियाड है, उसके अंतर्गत आपका मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस, मैथ से 15 क्वेश्चन एंड जनरल साइंस से 25 रहते हैं। क्लास सेकेंड में मैथमेटिक्स से 20 एंड जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन रहते हैं। एंड फॉर क्लास टू फिफ्थ में मैथमेटिक्स से 25, जनरल साइंस से 30 एंड क्रिटिकल थिंकिंग से 5 क्वेश्चन रहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में सिलेबस जो है आपका जनरल साइंस से ही रहता है। एंड क्लास 6-10 में मैथमेटिक्स 25, फिजिक्स 10, केमिस्ट्री 10, बायोलॉजी 10 एंड क्रिटिकल थिंकिंग 5। क्रिटिकल थिंकिंग सेक्शन इंक्लूडिंग कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल लाइक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, लॉजिकल एंड इंडक्टिव रीजनिंग, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी इन डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, इस आधार पर किया जाता है। सिलेबस जो है एनएसटीएसई क्वेश्चन पेपर के सिलेबस CBSE, ICSE, ISSE एंड वेरियस अदर स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस हैं उसी को ध्यान में रखकर ये सिलेबस बनाया गया है। प्लीज रिफर टू सिलेबस प्रोवाइड, सिलेबस यहाँ से आप क्लिक करेंगे, सिलेबस हम देख लेंगे। सिलेबस देखने से पहले चलिए हम अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। अवार्ड जो है 2024-25 के लिए प्राइज फॉर अचीवर्स, क्या प्राइज यहाँ पर मिलेगा। ए में द टॉप रैंकर एंड नेक्स्ट 2 रैंकर इच क्लास 2 लाख रुपए जो है उनको मिलेगा। टॉप रैंकर है उनको 2 लाख रुपए मिलेगा एंड नेक्स्ट 2 रैंकर्स जो हो जाते हैं सेकेंड एंड थर्ड, उनको टैबलेट, ओलंपियाड कोच, ऑनलाइन इंस्क्रिप्शंस एंड रुपीज 198, 1998 रुपए एंड मेमोरीज इच,
मेमेंटो मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट रैंकर 4 to 10 ईच क्लासेज ऑफ ईच अवार्डेड कैश प्राइज 2000 एंड ओलंपियाड कोच ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लस 1998 प्रत्येक स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसी प्रकार रैंकर 11 से 25 जो क्लास के रैंकर्स होंगे उनको जो है सब्सक्रिप्शन 3996 का मिलेगा, मेडल एंड सर्टिफाइड एपीएसएल। साथ ही रैंकर 26 से 50 को सब्सक्रिप्शन 2997 का, मेडल एंड सर्टिफिकेट मिलेगा। इस प्रकार जो है आपको टॉप 5 रैंकर ईच जोन अवार्ड स्पेशल उसमें मिलेगा, नॉर्थ वाइज मिलेगा। इस तरह सब में आपको अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। ऑलमोस्ट 200,000 का अवार्ड यहाँ पर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। चलिए अब हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। क्लास फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स में टॉपिक्स है नंबर अप टू 100, ऑर्डिनल नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, मनी, ज्योमेट्रिकल शेप। एंड जनरल साइंस से हो जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन बॉडी, एयर, वाटर एंड वेदर। क्लास सेकेंड के लिए मैथमेटिक्स से टॉपिक हो जाता है नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, मेमोरी, शेप। एंड जनरल साइंस से ये आपके सिलेबस हो जाते हैं। इसी प्रकार आप वीडियो को पॉज करके या इसकी साइट पे जाके आप क्लास वाइज जो है आप यहाँ से सिलेबस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास 5th के सिलेबस हो गए, वीडियो को पॉज कीजिए आप, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10, ये क्लास 10 तक के सिलेबस है। आगे की वीडियो में मैं इसके सैंपल पेपर क्लास वाइज एंड सिलेबस आपके लिए अलग से बता दूंगी कि किस प्रकार का सैंपल पेपर आपका आता है। इंडियन स्कूल, यहाँ से स्कूल के द्वारा आप यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर हो सकते हैं। साथ ही आप इसकी ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन के लिए आप क्लिक कर सकते हैं या फिर स्कूल के द्वारा भी एग्जाम आप दे सकते हैं। साथ ही आप ये जान लीजिए वाई यूनिफाइड काउंसिल, यहाँ से आप एनएसटी का क्यों देना चाहिए आपको। तो ये इंडिया फर्स्ट ISO 9001 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें करीब 26 ईयर से ये ओलंपियाड करवा रहे हैं और इस ओलंपियाड को 12 मिलियन प्लस स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं। बेस्ट ओलंपियाड कहलाती है एंड सर्टिफाइड बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बेस्ट ओलंपियाड सर्टिफाइड किया गया है। हाईएस्ट रेटिंग ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन में इसका नाम है। एंड यहाँ सब्जेक्ट वाइज जो है देखिए NSTSC की 26 जनवरी को आपका मॉक टेस्ट रहेगा एंड फाइनल एग्जाम 2 फरवरी को रहेगा। इसके अलावा अदर्स भी आपके कंप्यूटर, इंग्लिश एंड मैथ, इन तीनों पेपर्स के भी यहाँ से एग्जाम दिए जाते हैं, जो कि यूनिफाइड काउंसिल एजुकेशन की मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको दिख जाएगा। साथ ही यहाँ पर यूनिफाइड काउंसिल ओलंपियाड का ये भी जान लीजिए साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है, साइंटिफिकली डिजाइन एंड स्किल बेस्ड ओलंपियाड है, केयरफुली क्राफ्टेड बाय द एक्सपर्ट इन द फील्ड, ओलंपियाड क्वेश्चंस पेपर एंड डिजाइन द टेस्ट ऑफ स्टूडेंट, अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कमांड ओवर फंडामेंटल स्किल, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट रेदर देन इट्स मेमोराइजिंग। स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी यहाँ पर दिया जाता है। द डिटेल्स ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ए स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द सब्जेक्ट, यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का बच्चा एग्जाम देता है उस सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे बताया जाता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेस क्या है, उस आधार पर इनका एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है और बच्चों को भेजा जाता है ताकि उससे बच्चों को आइडिया हो जाए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेस क्या है ताकि वह नेक्स्ट एग्जाम में अपने वीकनेस को दूर कर सके। चेंज स्टूडेंट आउटलुक टूवर्ड सब्जेक्ट, मोटिवेट स्टूडेंट टू पुट दिस लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट टू एक्सेल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।